हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन, जिसके बगैर आप लोग मैथ के किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम लोग ये टॉपिक क्या है और कैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनता है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है, क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी स्किप हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन और फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन आपको बेसिक जानकारियां 11th में दे दी गई हैं, आप लोग जाके 11th में पढ़ लीजिए या फिर वीडियो को एक बार देख लीजिए 11th को। फिर भी हम लोग देखते हैं रिलेशन होता क्या है। अगर कोई भी दो सेट हो, है ना, कोई मान लेते हैं दो सेट ए, यहाँ पे हम लोग सेम सेट में पढ़ते हैं। अगर मान लो सेट क्या है, एक ए और बी, इसमें सी तीन एलिमेंट है, अगर इससे हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। अगर इसका हम लोग ए गुणे ए, तो क्या होता है, ए जो होता है सबसे जुड़ सकता है, है ना, सबसे जुड़ सकता है, यानी कि ए जो है इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, यानी कि ए आपका होता है ऑर्डर पेयर ए और बी। ये देखिए आपका इससे, इससे और इससे, ठीक है। तो आपका ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी जो हो गया, आपका ए क्रॉस बी हो गया, ए कामा बी, ए कामा ए कामा सी, ऐसे हमारे क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। अब ए क्रॉस बी के अगर उप समुच्चय अगर हम ले लेते हैं, सबसेट ले लेते हैं, तो क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर इन सभी जितने भी हमारे पास एक सेट के एलिमेंट पूरा बचेंगे, एलिमेंट बनेंगे, सब सेट बनेंगे ए क्रॉस बी, यानी जितना भी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए ही है यहाँ पे, तो क्या क्या, ए कामा ए होगा, ए कामा बी होगा, ए कामा सी होगा, ऐसे सभी एक सेट बनेंगे। उसमें से अगर हम किसी भी समुच्चय को ले लेते हैं, यानी उप समुच्चय को ले लेते हैं इसके, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं रिलेशन इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी। अगर हम कहें कि ए कोई सेट है ना, जिसका ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। रिलेशन जो क्या होगा आपका, ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है, यानी ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो भाई सबसेट हो सकता है, नल भी हो सकता है, हो सकता है पूरा हो जाए। तो जब नल होगा, यानी कि रिलेशन क्या होगा, अब रिलेशन जब होगा कि एक भी बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि आर इक्वल टू फाइव आ जाए, क्या आ जाए, आर इज इक्वल टू अगर फाइव हो, फाइव भी तो सबसेट होता है इसका, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिक्त समुच्चय। क्या कहलाएगा, रिक्त, यानी कि नल सेट, नल नल रिलेशन, सॉरी समुच्चय नहीं, समुच्चय तो आप लोग 11th में पढ़े हैं, ठीक है। तो नल रिलेशन है ना, तो ये आपका नल रिलेशन हो जाएगा। नल मीन्स होता है रिक्त संबंध। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम ले दें, अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि ए जो है कोई सेट है, सभी स्टूडेंट बॉयज का स्कूल में, सभी बॉयजों का समुच्चय है ना, बॉयज का, है ना, बी बॉयज का सेट है ना, क्या है, मान लिया कि ये सेट जो है क्या है, सभी बॉयजों का समुच्चय है ना। तो अब देखिए बॉयजों का समुच्चय है, अगर कोई रिलेशन इस प्रकार से आ जाए, भाई बॉयज का समुच्चय है तो ए आपस में जुड़े होंगे सब, लेकिन रिलेशन क्या कर रहा है, रिलेशन जो कह रहा है आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए भाई है बी का, है ना, ए भाई, ए बहन है, सभी बहन, बहन लेंगे तो अच्छा रहेगा, भाई तो हो सकता है, बहन है बी का, है ना। यानी इसमें कहने का मतलब क्या, ए जो है बी का क्या है, बहन है, सिस्टर है, है ना, क्या है, सिस्टर है। तो सिस्टर हो गई तो बताइए यहाँ पे ये जो सेट है इसमें तो केवल बॉयज है, जब बॉयज है तो जो रिलेशन होगा एक राशि में, दैट इज नॉट सबसेट ऑफ एक क्रॉस ए, है ना, दैट इज इक्वल टू फाइव, इट मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, नल रिलेशन, है ना। इस प्रकार के रिलेशन क्या कहते हैं हम लोग, नल रिलेशन कहते हैं। कब, जब रिलेशन आर जो हो वो एक क्रॉस ए में, चाहे एक क्रॉस बी में, चाहे जिसमें भी, उसमें बिलोंग ना करता हो, उसका सबसेट ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट। और जब आर पूरा रूप से बिलोंग कर जाए, आर अगर प्रॉपर हो जाए, है ना, आर प्रॉपर हो जाए एक राशि में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे ये मान लीजिए सेट का बॉयज था, अब कहें ए और बी क्या है, दोस्त हैं, तो भाई ए और बी सभी दोस्त हो सकते हैं, यानी इस प्रकार का रिलेशन क्या होगा, पॉसिबल है। मान लो 10 बच्चे हैं,
ए बी का दोस्त होगा, ए सी का दोस्त होगा, ऐसे दोस्त सब हो सकते हैं क्योंकि बॉयज बॉयज है, बॉयज में दोस्त हो सकते हैं, लड़की का कोई उसमें जिक्र नहीं है। इसलिए क्या होता है, रिलेशन जो होता है मेनली दो प्रकार का आपका रिलेशन क्लास ट्वेल्थ में है, दे दिया गया है, नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब स्टूडेंट आइए जानते हैं हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पे आपके क्वेश्चन एकदम 100% आते हैं एग्जाम में, है ना, लगभग चांस होता है 100%, ये तो डिटॉल से भी ज्यादा परसेंटेज है भाई, 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आते ही है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए। तो आइए इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या देखते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये संबंध कब होते हैं, जब इसके तीन संबंध हमें होते हैं तब। पहला देखिए, पहला संबंध होता है रिफ्लेक्सिव। अगर कोई भी संबंध रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, है ना, ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव है ना, यानी कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समतुल्य। देखिए हिंदी जानना भी जरूरी है, इंग्लिश जानना जरूरी है। स्वतुल्य इसको सममित कहते हैं, सममित इसको कहते हैं संक्रामक, ठीक है, ये आपका हिंदी हो गया। देखिए हिंदी जानना जरूरी नहीं है, इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। आप इंग्लिश जानेंगे तो किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव हिंदी में लिखा है स्व, मैंने स्वयं से, स्वतुल्य जो स्वयं से रिलेटेड होता है उसे हम कहते हैं स्वतुल्य रिलेशन, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम कहें फॉर ऑल, ये फॉर ऊपर लिखते हैं जगह है, हाँ, फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए, मान लीजिए कोई सेट ए है ना, कोई सेट ए है, माना कोई सेट ए है, है ना, सभी ए के लिए अगर कोई रिलेशन इस प्रकार हो, ए कामा ए अगर बिलोंग करता है आर में, तो वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य रिलेशन कहलाता है। यानी कोई सेट है ना, कोई सेट ए है, उसमें के प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद से संबंधित होंगे तो क्या कहलाएगा, वो स्वतुल्य रिलेशन कहलाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो स्टूडेंट आइए हम जानते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब जानते ही हैं, दो भागों में किसी चीज को बांटे तो बराबर बढ़ जाए, उसी प्रकार से किसी को हम चेंज करेंगे, अगर चेंज नहीं होगा, देखिए क्या होता है, अगर ए कामा बी कोई दो एलिमेंट हो, है ना, किसी सेट का, है ना, और ए बी से संबंधित है ना, ए रिलेटेड टू बी, है ना, ए बी से संबंधित है, अगर हम कहें एग्जाम्पल में ए बी का भाई है, तो ये भी तो कह सकते हैं, जैसे सर कहें राम श्याम का भाई है, तो ये भी कह सकते हैं श्याम राम का भाई है ना, कह सकते हैं ना, अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो राम का भाई हो सकता है। इम्प्लाइज हम कह सकते हैं बी कामा ए ऑल्सो बिलोंग इन आर, इसका मतलब अगर ए कामा बी आर में बिलोंग करता है और बी कामा ए आर में बिलोंग कर जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सममित रिलेशन कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कामा बी कामा सी बिलोंग करता है ए में, यानी कि इसके तीन एलिमेंट है ए बी सी। तो अगर देखिए अगर ए कामा बी और बी कामा सी अगर इस रिलेशन में है, अभी एग्जाम्पल दे बताएंगे, तो इम्प्लाइज अगर ए कामा सी भी मिल जाए इस रिलेशन में, तो हम कहते हैं क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, क्या हो गया, देखिए ट्रांजिटिव है यह, सम्मित आपका यह है, थोड़ा सा अरेंजमेंट भी देख लीजिएगा आप लोग। और देखिए देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमने तीन मार्कर मेरे पास है, हमने कहा कि ये मार्कर इसके बराबर है, ठीक है ना, फिर कहा ये जो मार्कर है इस वाले के मार्कर से, देखिए ये जो मार्कर है इसके बराबर है ना, अब कह रहे हैं ये जो मार्कर है इस रेड वाले के बराबर है, यानी कि इसका मतलब क्या, तीनों बराबर हुए कि नहीं हुए, ये इसके बराबर है और ये जो इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर ही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार का जो रिलेशन होता है तो हम लोग कहते हैं संक्रामक रिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट आइए एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या होता है रिलेशन, क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी सेट के अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट ले लेते हैं तो वो जो होता है वो रिलेशन कहलाता है। अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, नल रिलेशन, यानी कि रिक्त रिलेशन कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। अगर ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट अगर आर में आ जाएंगे तो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको स्टूडेंट, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा।
अब देखिए रिलेशन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, कोई रिलेशन अगर इस प्रकार हो कि स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, उस प्रकार के रिलेशन को कहते हैं हम लोग तुल्यता संबंध अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट जानिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि जो दिया गया संबंध है न स्वतुल्य है, न संक्रामक है, सममित है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल आपको लेके देख सकते हैं। एग्जांपल लीजिए क्या है, एग्जांपल हम आपका ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर आपका 3 होगा या 2 होगा, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या है आपका एग्जांपल, मतलब अगर ए कोई सेट हो, है ना, ए अगर आपका सेट हो ट्रायंगल का, है ना, ट्रायंगल इन प्लेन, है ना, ए क्या है आपका सेट है ट्रायंगल इन प्लेन, और आर किस तरह डिफाइन है स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू क्या है ए कामा, या फिर इस तरह कह सकते हैं T1 कामा T2 बिलोंग इन R, T1 कामा T2, हाँ ऐसे T1 और T2 दो एलिमेंट है, तो क्या है T1 is congruent, इसे लिखता हूँ जगह कम है, T1 is congruent to T2, है ना। एग्जांपल आपका है ये, मतलब इसको प्रूफ करना है कि ये तीनों संबंध है कि नहीं है, चेक कीजिए। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ए क्या है, इस जो प्लेन है भाई, ये बॉडी देख लीजिए, जितने प्रकार के ट्रेंगल होते हैं सब ट्रेंगल इसमें दिए गए हैं, लेकिन संबंध क्या दिया है ये देखना है हमको। ये सेट ए दिया है, देखना है जरूरी बात है, लेकिन रिलेशन आपको देखना ही है इसको प्रूफ करने के लिए। कैसा रिलेशन है, रिलेशन कैसा है भाई, केवल और केवल सर्वांगसम त्रिभुज है, इसे हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। तो स्टूडेंट आइए हम लोग पहला देखते हैं, तो पहला देखिए रिलेशन 1 R1। R1 क्या है स्टूडेंट, स्वतुल्य। तो ये बताइए अगर हम कोई ट्रेंगल ये लेते हैं, ये ट्रेंगल, ट्रेंगल का नाम अगर ABC लेते हैं, तो ये ट्रेंगल देखिए खुद का सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, ये जो ट्रेंगल होगा खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर T1 अगर सेट ए में है तो इम्प्लाइज हम कह सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इसलिए कह सकते हैं क्या है T1 कामा T1 इज रिलेशन, यानी कि ये क्या हो गया, देख लीजिए आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, T1 जो है आपका क्या है खुद से सर्वांगसम है, इसलिए क्या हो गया बिलोंग कर रहा है। अब आइए देखते हैं हम लोग R2। R2 क्या होता है स्टूडेंट, अगर T1 और T2 क्या हो सेट के एलिमेंट हो, किस सेट के, जो प्लेन में जो दिया गया सेट है उसके अगर एलिमेंट हो, और T1 कामा T2 बिलोंग करता है R में, T1 और T2 R में हो, तो कह सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 क्या हो गया T2 के क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये भी तो कह सकते हैं T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, इंप्लाइज हम कह सकते हैं T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं T2 कामा T1 इज एलिमेंट ऑफ R, यानी कि कह सकते हैं R2 भी सही है। R2 सही है मतलब क्या हुआ, R2 यानी कि रिलेशन जो है सममित है। अब देखिए R3, T1 कामा T2 कामा T3, यानी तीन को ट्रेंगल लिए हम लोग सेट का, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है ना, और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट, देखिए अच्छे से T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि आपका T1 जो होगा T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये संबंध है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तुल्यता संबंध है स्टूडेंट्स। तो एक बार और हम देख लेते हैं, ए हमारा सेट क्या था, जितने भी समतल है हमारे बोर्ड है इसमें ट्रेंगल है, ट्रेंगल कई प्रकार के होते हैं, इसलिए ट्रेंगल सभी थे। और हमें रिलेशन क्या दिया था, T1 T2 इस प्रकार होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट में होता है सर्वांगसम होंगे। तो हमने R1 देखा, R1 मतलब कोई ट्रेंगल लिया सेट से, कोई भी ट्रेंगल उठाया खुद का सर्वांगसम होगा भाई सिंपली। फिर दूसरा क्या है, T1 और T2 दो ट्रेंगल लिए, ऐसे ट्रेंगल लिए कि T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा ट्रेंगल नहीं कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, तो T2 T1 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा देखिए क्या होगा, T1 T2 T3 तीन ट्रेंगल लिए हमने, तीनों ट्रेंगल में T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है, तो इंप्लाइज T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट जरूर होगा स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हो गया और भी रिलेशन फंक्शन से जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर आप इस चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आएगा नहीं। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि हमेशा बेल आइकन बजती रहती है। डेली आप लोगों के क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।